दिसंबर के अंतिम सप्ताह में बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बता दें कि मुजफ्फरपुर में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री कम 6.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जिसे बिहार में दिन में धुंध और रात में कपकपी जैसे हालात बने हुए हैं। अचानक पड़ी कड़ाके की सर्दी से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 3-4 दिनों से रात का तापमान लगातार सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे बना हुआ है। अचानक तापमान में आई भारी गिरावट से लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। लोग ठंड से बचने का प्रयास करने में लगे हैं। लोग आग जलाकर उसके पास बैठकर राहत पा रहे हैं। दुकान के सामने दुकानदार आग जलाकर सर्दी से राहत पाने का जतन कर रहे हैं। वहीं बेगूसराय में भी भीषण ठंड ने दस्तक दे दी है। इस कपकपाती ठंड से लोगों को बचाने के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। दरअसल नगर थाना अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार झा ने अपने निजी फंड से भीषण ठंड को देखते हुए देर रात रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और आसपास रह रहे दर्जनों बेसहारा लोगों के बीच कंबल बांटे। इस अभियान में सदर DSP राजन सिन्हा और नगर थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार झा के द्वारा लोगों को कंबल दिया गया। DSP और नगर थानाध्यक्ष ने कहा कि नगर थाना पुलिस के सहयोग से गरीबों में कंबल बांटे गए और ये अभियान आगे भी चलाया जाएगा। काफी बढ़ गई है, 10 डिग्री के आसपास, 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर चल रहा है और सड़क के किनारे जो एकदम गरीब लोग हैं, जो निहायत जिनको आवश्यकता है, उनको ठंड से बचाने के लिए और पुलिस की छवि मैंने सामाजिक कल्याण के कल्याणकारी पुलिसिंग के तहत, सामुदायिक पुलिसिंग के तहत हम लोगों ने विचार विमर्श किया और ये कदम बढ़ाया है। हाँ, हमारा प्रयास जारी है ताकि जो एकदम सही में नीडी व्यक्ति हैं उन तक पहुँचाया जाए। इधर ठंड काफ़ी बढ़ गई है और कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत थाना अध्यक्ष नगर थाना के सहयोग से जो भी गरीब लोग हैं जिनको ठंड में कंबल की आवश्यकता है, वैसे नीडी पर्सन को व्यक्तियों की पहचान करके अभी हम लोग रात को कंबल का वितरण किया कर रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते में बिहार में भीषण ठंड पड़ने के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ के चलते जम्मू कश्मीर से लेकर सभी पड़ोसी राज्यों में शीतलहर के बाद पाला का अलर्ट है। बिहार के पड़ोसी राज्य UP और झारखंड में शीतलहर चल रही है। बिहार के दक्षिणी से पूर्वी इलाकों में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। पंजाब केसरी TV के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी और बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।